बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए सबक के साथ आपके साथ मौजूद हैं और हमारा पेज नंबर आ गया है 82। ठीक है, और इस पे सबक है हमारा बग हग। ठीक है, बग का मतलब होता है ये वाले कीड़े और हग का मतलब होता है गले मिलना। तो कीड़े गले मिल रहे हैं, ये हमारा सबक है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो कीड़े हैं, एक ये येलो और ब्लैक स्ट्राइप वाला बग है और एक ये रेड के ऊपर ब्लैक डॉट्स वाला बग है। ठीक है, तो इन दोनों बग क्या कर रहे हैं ये हम पढ़ के देखते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि सबक में क्या लिखा है। हाउ डज अ बग गिव अनदर बग अ हग। कैसे एक बग दूसरे बग को गले मिलता है। डज अ बग गिव अ हग। क्या एक बग गले मिलता है विद एन आर्म और अ लेग। अपने हाथों के साथ मिलता है या अपनी टांगों के साथ मिलता है। डज अ बग गिव अ हग। क्या एक बग गले मिलता है, यह हम कल इसका बकिया हिस्सा कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सवाल छोड़ दिए, क्या एक बग गले मिलता है, क्या होगा अब कल हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल पूछा है कि जो बग हैं वो एक दूसरे से गले कैसे मिलते होंगे, क्या वो अपने हाथ से एक दूसरे को हग करते हैं, हाथ से एक दूसरे को गले मिलते हैं, या फिर वो अपने टांगों के ज़रिए से एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। ठीक है, और क्या एक बग गले मिलता है, कैसे मिलता है, फिर ये कल सवाल होगा इसका। चलिए अब सारे बच्चे मेरे साथ हिज्जे लगा के पढ़ेंगे। H O W how, D O E S does, how does, A B U G bug, how does a bug, कैसे एक bug जी आई वी ई गिव ए एन एन ओ टी एच ई आर अदर एन अदर बी यू जी बग दूसरे बग के साथ आ एच यू जी हग गले मिलता है। कैसे एक बग दूसरे बग के साथ गले मिलता है। डी ओ ई एस डज आ बी यू जी बग डज अ बग क्या एक बग जी आई वी ई गिव आ एच यू जी हग डज अ बग गिव अ हग क्या एक बग गले मिलता है डब्ल्यू आई टी एच विद ए एन एन विद एन ए आर एम आर्म अपने हाथों के साथ ओ आर और
आ LEG लेग, या अपनी टांग से। सही है। क्या एक बग अपने हाथों से गले मिलता है या अपनी टांग से गले मिलता है? DOES डज। आ BUG बग, डज आ बग। GIVE गिव। आ डज आ बग गिव आ हग। क्या एक बग गले मिलता है? ठीक है, शाबाश, हमने हिज्जे लगा के पढ़ लिया। आप सारे बच्चे मेरे साथ पीछे पीछे रवा पढ़ेंगे। हाउ डज आ बग, कैसे एक बग गिव अनदर बग किसी दूसरे बग से आहग गले मिलता है? डज आ बग गिव आ हग। क्या एक बग गले मिलता है विद एन आर्म, अपने हाथों से, और आ लेग, या फिर अपनी टांग से? डज आ बग गिव आ हग। क्या एक बग गले मिलता है? ठीक है, शाबाश, अब दोबारा पढ़िए मेरे साथ रवा। हाउ डज आ बग, कैसे एक बग गिव अनदर बग किसी दूसरे बग को आ हग गले मिलता है? DOES डज। आ BUG बग, डज आ बग। क्या एक बग GIVE गिव, डज आ बग गिव, क्या एक बग गले मिलता है विद एन आर्म, अपने हाथ से, और आ लेग, या फिर अपनी टांग से? यानी बग जो है वो जब गले मिलता है तो अपने हाथ से गले मिलता है या अपनी टांगों से गले मिलता है? ठीक है। डज आ बग गिव आ हग। क्या एक बग गले मिलता है? ठीक है, चलिए, हमने सबक रवा भी पढ़ लिया और हमने हिज्जे लगा के भी पढ़ लिया। अब सारे बच्चे इस सबक को कॉपी निकाल कर साफ सुथरा लिखें अपनी कॉपी में, और लिखते वक्त साथ साथ पढ़ते भी जाइए और ट्रांसलेशन भी करते जाइए। ओके, क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।